मैं हूं सानिया अद्रिसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जमीन खरीदने जा रहे एक व्यक्ति से राह चलते लूटपाट की वारदात हुई है। यहां घाटकोपर के राजावाड़ी के तरफ पैदल जा रहे शख्स से कुछ लोगों ने पैसे से भरा बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कंप्लेंट मिलने पर तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन खरीदने जा रहे व्यक्ति के पास कुल 25 लाख रुपए थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 5,23,000 कैश के साथ इस लूट में उसी की जाने वाली ऑटो रिक्शा और बाइक भी बरामद की है, जिसकी कीमत 6,75,000 है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अरशद खान, अराफत खान, अकबर शेख, नईम शेख, इम्तियाज खान और रविंद्र खंडागले है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 395, 120B, 420, 170, 34 के तहत केस दर्ज किया है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाई थी, जिनमें संजय दराड़े, DCP हेमराज सिंह राजपूत, ACP नितिन जाधव शामिल थे, जिसमें उनको बताया गया था कि 25 लाख अगर आप लेके आते हो तो उसमें उनको वो जो ब्लैक मनी उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए उनको हेल्प करेंगे। इसमें विक्टिम पर्टिकुलर एरिया में जाने के बाद में वहाँ पे एक ऐसा पुलिस आई करके इस तरीके से प्लेन क्लोथ में कुछ लोग आए और उनसे वो जो कैश वाली बैग थी वो छीन के लेके गए थे। इस बारे में तिलक नगर पुलिस स्टेशन में IPC 395 और 420 ये सेक्शंस के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया और तुरंत हरकत में आते हुए उसी दिन ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था।